उत्तराखंड में पीएम मोदी की रैली को लेकर तैयारियां जारी। 1 लाख लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया। सीएम और चुनाव प्रभारी लेंगे तैयारियों का जायजा। 16 दिसंबर को देहरादून पहुंचेंगे राहुल गांधी, जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गौदियाल ने दी जानकारी। महाराष्ट्र में मिले ओमिक्रॉन के 28 संदिग्ध मरीज, मरीजों को सैंपल के लिए भेजा गया। आपको बता दें कि 2 दिसंबर तक 2000 से ज्यादा यात्री पहुंचे थे मुंबई। उत्तराखंड में 13,000 पुलिसकर्मियों का हुआ कोरोना टेस्ट, अब तक 50 मिले पॉजिटिव। पुलिसकर्मियों के संपर्क में आने वालों की हो रही है ट्रेसिंग। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देहरादून में 4 दिसंबर को होने वाली रैली को भव्य बनाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश चुनावी प्रभारी प्रहलाद जोशी ने परेड मैदान का निरीक्षण किया। पार्टी ने अपने सभी पदाधिकारियों को देहरादून तलब किया और उन्हें ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने का जिम्मा भी दिया। बीजेपी ने रैली में 1 लाख से ज्यादा भीड़ जुटाने का लक्ष्य बनाया है और आपको बता दें पहली बार पार्टी मोदी की रैली में लोगों को निमंत्रण पत्र देकर आमंत्रित भी कर रही है। पार्टी के प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार ने प्रदेश प्रभारी कार्यालय में पार्टी के मोर्चे के पदाधिकारियों की बैठक ली और रैली की तैयारियों को लेकर फीडबैक भी लिया। उन्होंने रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरी क्षमता के साथ जुटने के निर्देश भी दिए। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर बेंगलुरु में 2 नए मामले मिलने के बाद एक तरफ जहां राज्य के मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई है तो वहीं दूसरी तरफ देश के अन्य हिस्सों में भी इसको लेकर कई संदिग्ध मरीज मिल रहे हैं। इन सभी का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है। इस बीच आपको बता दें कि महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया है कि राज्य में ओमिक्रॉन के संदिग्ध मरीजों की संख्या बढ़कर 28 हो चुकी है। उन्होंने बताया कि हाई रिस्क देशों से भारत लौटे जिन लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई उनके संपर्क में आए लोगों का टेस्ट और उनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। मुंबई में भी 10 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक 2000 से ज्यादा यात्री मुंबई पहुंचे थे और इनमें से 485 यात्रियों का कोरोना टेस्ट किया गया है जो अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से मुंबई आए थे। ऐसे में 485 में से 9 यात्रियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कीरतपुर साहिब के बुंगा साहिब में कथित किसानों ने अभिनेत्री कंगना रनौत के काफिले को आज घेर लिया। इसके बाद चंडीगढ़ उना हाईवे पर जाम लग गया। प्रदर्शनकारी लगातार कंगना रनौत से किसानों से और महिलाओं से माफी मांगने की जिद पर अड़ गए। वो कह रहे हैं कि कंगना हमारी महिलाओं से माफी मांगे फिर यहां से उसे जाने देंगे। काफी भारी तादाद में किसान इकट्ठा हो गए जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और रोपड़ के पास बुंगा साहिब में कंगना की गाड़ी को रोका गया। आपको बता दें कंगना को चंडीगढ़ एयरपोर्ट से मुंबई की फ्लाइट पकड़नी थी। किसानों के साथ महिलाएं भी मौजूद थी और कंगना से माफी मांगने को कह रही थी। किसान आंदोलन के दौरान दरअसल कंगना ने बुजुर्ग महिलाओं के बारे में कहा था कि इनको 100-100 रुपए में लाया जाता है। इससे किसान कंगना से बेहद नाराज थे। तो इस देश में इस तरह का मॉब लिंचिंग हो रहा है सरेआम। अगर मेरे साथ सिक्योरिटी ना हो तो क्या हालात होंगे यहाँ पे और किस तरह से चीजें होंगी। इट इज अनबिलीवेबल, द सिचुएशन हियर इज अनबिलीवेबल। इतनी सारी पुलिस है फिर भी मेरी गाड़ी को निकलने नहीं दिया जा रहा है। क्या मैं कोई पॉलिटिशियन हूँ? क्या मैं कोई पार्टी चलाती हूँ? व्हाट इज दिस बिहेवियर? अनबिलीवेबल। बीजेपी की ओर से 4 दिसंबर को देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में जवाब में कांग्रेस से भी राहुल गांधी की रैली कराने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गौदियाल ने बताया कि आने वाले 16 दिसंबर को राहुल गांधी की रैली का आयोजन राजधानी देहरादून में किया जाएगा और इस दौरान वो सैनिक सम्मान समारोह रैली और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि जनसभा के लिए स्थान अभी तय नहीं किया गया है और जल्द ही से पूरी योजना तैयार इसकी कर ली जाएगी। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऐसे में बीजेपी के तमाम बड़े नेता पहले ही अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के किसी बड़े नेता का अभी तक एक भी दौरा उत्तराखंड में नहीं हुआ है। वहीं अब चुनावी दौरे पर राहुल गांधी देहरादून पहुंचेंगे।
दिल्ली के कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन पिरान कलिया विधानसभा के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने दरगाह साबिर साहब की जियारत की और जिसके बाद प्रेस को भी संबोधित किया और फिर गांव मरगूबपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में इस बार आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है, जिससे मुफ्त बिजली, तीर्थयात्रा और बेरोजगारी का ऐलान पहले ही किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जुमलेबाज नहीं है, सरकार जो वादा करती है वो निभाती भी है। आज उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश में जो दिल्ली मॉडल है और जो माननीय अरविंद केजरीवाल जी का काम करने का तरीका, लोग उसे पसंद कर रहे हैं और उत्तराखंड के लोग भी उससे प्रभावित हैं और उसे पसंद कर रहे हैं, जो उनका तरीका है और काम करने का तरीका है, और वो जो कहते हैं उसे करते हैं, जो वो जनता से वादे करते हैं उसको पूरा करते हैं। उन्होंने दिल्ली में वादे किए, हम पानी मुफ्त देंगे, साफ सुथरा पानी देंगे, 20,000 लीटर उन्होंने तुरंत कर दिया। उन्होंने कहा करप्शन फ्री सरकार देंगे। जब हमारी पहली सरकार 49 दिन की बनी ना, जितने हमारे भाई हैं, चाहे वो ठेली लगाने वाले हों, पटरी लगाने वाले हों या और कोई काम करने वाले हों, जिन्हें पुलिस से दिक्कत आती थी, जिन्हें नगर निगम से या और SDM दफ्तर से, जहाँ जिन्हें वसूली का सामना करना पड़ता था कहीं ना कहीं, 49 दिन के अंदर अधिकारियों ने ये कहना शुरू कर दिया था, अगर कोई जाता था, अगर पता लग गया तो सीधा जेल जाएगा, अगर उसे अगर केजरीवाल जी की संज्ञान में या किसी के संज्ञान में आ गया तो सीधा जेल जाएगा। 49 दिन में भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म किया था। लालकुआ की राजीव नगर बंगाली कॉलोनी में पिछले कई सालों से लोगों को जल भराव की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। लोगों की तरफ से कई बार स्थानीय प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन जिम्मेदारों ने अभी तक कोई सुध नहीं ली। वहीं उनसे मिले झूठे आश्वासनों से लोग तंग आ चुके हैं। उधर लोगों की मांग पर BJP युवा नेता दीपेंद्र सिंह कोश्यारी खुद पैदल जल भराव का निरीक्षण करने के लिए कॉलोनी पहुंचे। इस दौरान लोगों ने उन्हें समस्याओं से अवगत कराया, जिसके बाद दीपेंद्र कोश्यारी ने संबंधित अधिकारियों को फोन पर ही समस्या से अवगत कराते हुए जल्द निजात दिलाने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही जल भराव से स्थानीय लोगों को निजात मिलेगी। देखिए, अभी कुछ दिन पहले जब आपदा आई थी तो मुझे पता चला कि जो यहाँ पे कुछ हमारी जो क्षेत्र हैं, अपने एरिया हैं, यहाँ पे जल का भराव हो गया था, जिस चक्कर में घरों से लेके अंदर भी कई जगह पानी घुसा सुनने में आया मेरे। और उससे ही बड़ी बात, चलिए पानी तो चले आया और वो तो निकल भी जाएगा, लेकिन जो क्षेत्र में जिस तरीके से पूरी गलियों में मैं देख रहा था यहाँ पे पानी अभी भी भरा हुआ है, तो उससे कई बीमारियों की आशंकाएं बढ़ती हैं और ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ की तो मैं निंदा भी करता हूँ, लेकिन इस बारे में पहले भी हमारी शायद बातचीत रही होगी, पुराने भी पहले भी लोग यहाँ आए थे देख के, लेकिन वो अभी पूरी तरीके से संभव नहीं हो पाया था। पर अभी मेरी हमारे वन के जो सीनियर हमारे सेक्रेटरी हैं उनसे मेरी भी बात हुई और मैंने पूरा विषय उनके सामने रखा है, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो एक दो दिन के अंदर अपने अधिकारी भेज के इस चीज़ का तुरंत निस्तारण करेंगे। अब एक दो चार दिन के अंदर नहीं हुआ तो मैं पुनः अपनी ओर से जिसको भी बात करनी होगी, जैसे भी होगी, क्षेत्र वालों के लिए करूँगा, जो भी करूँगा, जैसे भी उनको उसको जल्द से जल्द निपटाने के लिए जैसे भी करना पड़ेगा करेंगे हम। लालकुआ में जय मां सर्वजन दिव्यांग कल्याण समिति के तत्वाधान में हल्दू चौड़ स्थित पंचायत घर में विश्व दिव्यांग दिवस मनाया गया। इस दौरान एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें अतिथि के रूप में वरिष्ठ BJP नेता और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन चौहान उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान समिति के अध्यक्ष शंकर लाल ने सभी दिव्यांगों को विश्व दिव्यांग दिवस की शुभकामनाएं भी दी। पर मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं, मैं पिछले 2 महीने से इस प्रोग्राम की तैयारी कर रहा हूं विश्व दिव्यांग दिवस की, और मैं सारे जनप्रतिनिधियों के बीच गया। आप देखिए हमारे मंच में कोई जनप्रतिनिधि आए हैं? अब बताइए, यहां तक कि क्षेत्रीय विधायक जिनको हमने अपना कीमती वोट देके सत्ता तक बैठाया वो तो यहाँ पर थे। बताइए कितना दुर्भाग्य है हमारे समाज का, यानी कि दिव्यांग को सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसके पश्चात हमारी अंधे की स्पष्ट है। आज विश्व विकलांग दिवस है और ये बात सत्यता है कि जिस तरह की मैंने आज इन सब बातों को, इनकी भावनाओं को देखा है कि लोगों को इनको एक ये मानकर कभी नहीं सोचना चाहिए कि विकलांग है, इस हीन दृष्टि, हीन भावना से उसको देख के,
तो ये बहुत गलत बात है, तो उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि विकलांग ने भी दुनिया में अपना नाम रोशन किया है। ऐसे ऐसे विकलांग हमारे वैज्ञानिक हुए हैं, ऐसे विज्ञान हमारे डॉक्टर हुए हैं जो विकलांग होते हुए भी मानसिक रूप से जो मजबूत है, जिन्होंने एक संदेश दिया है कि विकलांगता कोई अभिशाप नहीं है। कान में मैल जमा हो जाना सामान्य सी बात है, और इसका मतलब ये नहीं कि आप गंदे हैं। ये कान के बाहरी हिस्से और ईयर कैनाल की कोशिकाओं से निकले नेचुरल ऑयल से बनता है। गंदगी, पसीने और डेड स्किन सेल्स के साथ मिलकर ये ऑयल मैल बना जाता है। और इसी को लेकर गाजियाबाद के डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने, तो उन्होंने बताया कि एयरबर्ड्स कान की सफाई के इस्तेमाल के लिए बिल्कुल नहीं होते हैं, लेकिन लोगों को सही जानकारी ना होने के चलते लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए क्या कहा डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी ने। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जो ईयरबड्स होता है जो मार्केट में आमतौर पर मिल जाता है, अगर उससे कोई भी कान की सफाई करता है तो कितना सेफ होता है? ये हमें जानना होगा कि जो हम बड इस्तेमाल करते हैं वो हमें किसके लिए करना है। मेरे विचार से पूरे भारत में या भारत से बाहर लोग उस बड का इस्तेमाल कान में वैक्स के लिए करते हैं या खुजली के लिए करते हैं, जो कि ठीक नहीं है। ये इसका पर्पज होता है कि जब हम स्नान कर रहे हैं जो कान में पानी इकट्ठा हो जाता है उसको हम मॉप कर लें, जॉनसन बड जस्ट लगाएं और उसको फेंक दें, जिससे पानी हमारा मॉप हो जाता है। वो वैक्स निकालने के लिए नहीं है, वो खुजली करने के लिए नहीं है, ये हमें समझना होगा। वो क्योंकि वैक्स अगर मेरे कान में होता है और मैं जॉनसन बड का इस्तेमाल करता हूँ, तो जो जॉनसन बड है मेरे कान के रास्ते के बराबर साइज की होती है, वो वैक्स को निकालने के बजाय उसको अंदर को पुश कर देती है। और अगर हम खुजली करते हैं तो उससे एक परेशानी कान में बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं ओटाइटिस एक्सटर्ना। ओटाइटिस एक्सटर्ना कान में फुंसी जैसी एक बीमारी होती है जो सूजन पैदा कर देती है, और वैक्स अगर कोई इन्फेक्शन अंदर है या वैक्स है उसके आगे अगर सूजन हो जाएगी तो वो ट्रैप हो जाएगा अंदर, वो कान में और दर्द इंक्रीज कर देती है, बढ़ा देती है। तो जो ये मैकेनिज्म है मैल को साफ करने का, वो हमारा नेचुरल है। जब हम जबड़ा चलाते हैं तो ये कान के पास जब हम जबड़ा चलाएंगे ये मूवमेंट होगा इस जॉ में, और वो वैक्स को बाहर फेंकता रहेगा। अगर मैं एक नेचुरल वे में अपने वैक्स की जो क्लीनिंग वाली प्रोसेस है उसको सप्रेस करता हूँ तो वो वैक्स हमारा बार बार बनने लगता है और हमें वो ओटाइटिस एक्सटर्ना जैसी परेशानी दे सकता है। तो सबको ये समझना होगा कि ईयरबड्स सिर्फ पानी साफ करने के लिए बनी है, मैल साफ करने के लिए नहीं बनी है और खुजली करने के लिए नहीं बनी है। अच्छा, इससे क्या कान के पर्दों को भी कुछ डैमेज हो सकता है? इससे क्या होता है कि मैल अगर मेरे कान में है और वो हार्ड है और मैंने उसको साफ करने की कोशिश की है तो मैल मेरे पर्दे से टकराएगा, और ये बहुत ही पतली झिल्ली होती है, 0.1 mm की होती है जिसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। कोई भी चीज़ वहाँ हल्के से भी टकराएगी तो वो उसमें छेद कर देती है और हमारा हियरिंग का नुकसान होता है, उसके साथ साथ हमारे कान में तरह तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं और उससे पस आने लगते हैं। पौड़ी में मंडल मुख्यालय के रामलीला मैदान में बीजेपी की तरफ से विकास के साक्षी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। साथ ही आपको बता दें कि स्थानीय विधायक मुकेश कोहली की तरफ से इसको खूब प्रचारित और प्रसारित भी किया गया, लेकिन उन्होंने ही पार्टी के लोगों ने उन पर पैसे देने का वादा कर भीड़ जुटाने का आरोप लगा दिया है। साथ ही उन्हीं के पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने उन पर अपनी अनदेखी के भी आरोप लगाए हैं। कार्यकर्ताओं का दरअसल कहना है कि उनसे विधायक की तरफ से कहा गया है कि आपको खाना मिलेगा, आने जाने का किराया मिलेगा, लेकिन उन्हें कुछ भी नसीब नहीं हुआ। जी, हमारे ये कहा गया कि हम जैसे हम समूह में काम करते हैं तो आज यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी और विधायक जी आए हैं, तो हम आया अपने समूह के बारे में भी यहाँ पे आया, उसको से हमने अभी तक कुछ पाया नहीं है और यहाँ पे खाने पीने की और व्यवस्था भी करी। सर, हम महिला समूह से काम करते हैं और हमें यहाँ पर बुलाया गया है कि आपको किराया भी दिया जाएगा और खाने की व्यवस्था भी है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हम ऐसे ही भूखे और चले गए। और पुष्कर सिंह धामी जी जो मुख्यमंत्री जी आए यहाँ पे,
उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन हमारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से करते हैं हम। और सबसे पहले तो मेरा ये कहना है कि यहाँ पे धामी जी जरूर आए थे, पर लेकिन यहाँ पे कार्यकर्ताओं की खरीद फरोख्त की गई माननीय मुकेश कोहली के द्वारा। और लोगों का कहना है, सबका कहना है, पौड़ी विधानसभा की सारी जनता का कहना है कि हमको दिहाड़ी पे लाया गया यहाँ पे, हमको यहाँ पे दिहाड़ी पे लाया गया और खाना भी नहीं खिलाया गया। पौड़ी जिले की ही बात नहीं है, अगर पूरे प्रदेश भर में देखा जाए, चाहे हम बीजेपी की बात करें, बीजेपी के कई शीर्ष नेतागण और कार्यकर्ता उनकी नीतियों से और उनके जो व्यवहार है अपने कार्यकर्ताओं के साथ उससे खासे नाराज चल रहे हैं। और ये सिद्ध भी होता है कि कई भाजपा के नेता कांग्रेस में आने को आतुर है। और गणेश गोदियाल जी के नेतृत्व में, जब से गणेश गोदियाल जी ने प्रदेश के अंदर कांग्रेस का नेतृत्व संभाला है, उसको देखते हुए तमाम लोग कांग्रेस पार्टी में जुड़ना चाह रहे हैं। और कांग्रेस की अच्छी नीतियों को देखते हुए, अपने कार्यकर्ताओं को जो कांग्रेस सम्मान देती है उस चीज़ को देखते हुए तमाम भाजपा के कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि इस तरह का सम्मान उन्हें भी मिले। उत्तराखंड में मौसम खराब बना हुआ है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री धाम समेत कुमाऊं के भी उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है, जिससे तापमान में भी गिरावट होने से ठंड में इजाफा हो गया है। 6 दिसंबर तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी होगी। ऐसे में उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। साथ ही अन्य क्षेत्रों में मौसम जो है वो सही रहेगा और 4, 5 और 6 दिसंबर को भी प्रदेश में इसी तरह का मौसम बना रहेगा। उत्तराखंड में 3 दिन में अब तक 13,000 पुलिसकर्मियों के एंटीजन टेस्ट के बाद 50 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। ऐसे में डीजीपी अशोक कुमार ने बताया है कि सभी संक्रमित पुलिसकर्मियों के संपर्क में आए लोगों की ट्रेसिंग भी की जा रही है। वहीं भारत सरकार की चेतावनी के बाद डीजीपी अशोक कुमार ने सभी पुलिसकर्मियों के टेस्ट कराने के आदेश दिए थे। इस कड़ी में शुरुआत मुख्यालय से ही की गई थी। प्रदेश में आपको बता दें लगभग 27,000 पुलिसकर्मी हैं और इन सभी को टीके की दोनों डोज लग चुकी है। आपको बता दें कि बीते दिनों राष्ट्रपति के दौरे में सुरक्षा व्यवस्था के लिए गए 7 पुलिसकर्मियों में भी संक्रमण की पुष्टि होने से हड़कंप मच गया था। ऋषिकेश के नगर निगम में कृष्णा नगर कॉलोनी को शामिल करने की मांग पूरी होते दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में कॉलोनी के निवासी अब गुस्से में दिखाई देने लगे हैं। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि क्षेत्र में रैली निकाली उन्होंने और इसका विरोध प्रदर्शन किया। रैली निकालने का मकसद दरअसल प्रधानमंत्री के कानों तक आवाज पहुंचाना है। आपको बता दें कि नगर निगम में शामिल नहीं होने की वजह से कृष्णा नगर कॉलोनी को आज तक राज्य और केंद्र सरकार की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला है। ऐसे में प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान से जुड़े शौचालय की सुविधा भी इस कॉलोनी में आज तक नहीं पहुंची है। विधानसभा चुनाव के समय वोट देने का अधिकार तो सरकार ने कॉलोनी के लोगों को दे दिया, लेकिन सरकार सुविधाएं देना शायद भूल गई है। ऐसे में कॉलोनी के निवासियों ने सुविधाएं नहीं तो वोट नहीं का नारा देकर फिर से चुनाव बहिष्कार की घोषणा को दोहराया है। पौड़ी में नव नियुक्त आयुक्त गढ़वाल के रूप में सुशील कुमार ने मंडल मुख्यालय पौड़ी पहुंचकर पदभार ग्रहण कर लिया है। आपको बता दें कि नव नियुक्त आयुक्त सुशील कुमार ने कहा कि वो पहले भी पहाड़ी जिलों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और पहाड़ी भौगोलिक परिस्थितियों से अच्छे से रूबरू हैं। उन्होंने कहा कि गढ़वाल मंडल में हो रहे विकास कार्यों में भी तेजी लाने का काम किया जाएगा, साथ ही प्रदेश और केंद्र सरकार की तरफ से चलाए जा रहे महत्वाकांक्षी योजनाओं को सफल भी बनाया जाएगा। गढ़वाल मंडल में आज मैंने अपना कार्यभार ग्रहण किया है और गढ़वाल मंडल की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं और अन्य जो भी स्थितियां हैं उनसे मैं पूरी तरह से वाकिफ हूँ। वर्तमान में मंडल में कई प्रकार की बहुत महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण विकास योजनाएं चल रही हैं और उनको गति दिए जाने की आवश्यकता है, चाहे वो सर्व ऋतु 4 धाम सड़क योजना हो या ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना हो या केदारनाथ जी के पुनर्निर्माण की योजना हो या बद्रीनाथ जी के
महायोजना बनाकर उसको लागू करने की आवश्यकता हो। नैनीताल के कुमाऊं आयुक्त कार्यालय में कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत ने मां नैना देवी के आशीर्वाद के साथ कुमाऊं आयुक्त का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। आपको बता दें कि कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत सबसे पहले मां नैना देवी के मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मां का आशीर्वाद दिया, जिसके बाद दीपक रावत आयुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कुमाऊं आयुक्त का कार्यभार ग्रहण कर लिया। तो यही है कि जितनी भी सर्विसेज गवर्नमेंट देती है, जिस भी स्तर से मिलती हो, चाहे बिजली की हो, पानी की हो, तहसील की सर्विसेज हो, ब्लॉक की हो, ये टाइमली मिले, इनमें कोई रुकावट ना हो, और इसमें कोई रुकावट अगर करता भी है तो उसमें जवाबदेही भी हो। और दूसरा ये है कि जो हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, भारत सरकार के प्रोजेक्ट्स हैं, सेंटर के प्रोजेक्ट्स हैं, जहाँ पे कि मल्टीपल एजेंसी से कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता हो, उसमें अच्छा कोऑर्डिनेशन देना और टाइमली उसका इम्प्लीमेंटेशन करना। और साथ ही साथ मैं अपनी टीम से भी एक्सपेक्ट करूँगा कि फील्ड विजिट्स पे वो लोग ध्यान दें, कटिंग एज पे, जहाँ पे पब्लिक का मेलजोल होता है जिस भी संस्था से, वहाँ पे थोड़ा फोकस जरूर करें। वहीं चमोली में जंगलों को बचाने की पद यात्रा आज दूसरे दिन गोष्ठी और संवाद करते हुए गिरसा पहुंची। उल्लेखनीय है कि चिपको की मात्र संस्था दशौली ग्राम स्वराज मंडल और सीपी भट्ट पर्यावरण और विकास केंद्र के तत्वाधान में वनों को दावा नल से बचाने के लिए क्षेत्र में जन जागरण और अध्ययन के लिए पद यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें घुड़साल की सरपंच दीपा देवी ने कहा कि प्रशासन और जन सहयोग से ही इस पर काबू पाया जा सकता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।